हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में जानेंगे। तो इनहेरिटेंस, सबसे पहले इनहेरिटेंस होता क्या है ये जान लेते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है, जैसे कि एक क्लास है या फिर रियल वर्ल्ड का एग्जांपल लें तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि कोई चीज़ विरासत में मिलना, यानी कि आपके फादर से आपको विरासत में मिलता है घर, थोड़ा सा बैंक बैलेंस, कुछ ज़मीन जायदाद, तो ये इनहेरिट होकर आपके पास आता है। तो वही चीज़ यहाँ भी होता है, जैसे कि एक क्लास होता है जिसे हम लोग बेस क्लास कहते हैं या फिर सुपर क्लास कहते हैं, फिर पेरेंट क्लास कहते हैं। जब इस क्लास से आप एक क्लास डेराइव करते हैं तो उसे चाइल्ड क्लास कहते हैं या फिर सब क्लास कहते हैं। इसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, देखिए इसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर पेरेंट क्लास के पास कोई प्रॉपर्टी है या फिर कोई मेथड है, तो ये प्रॉपर्टी और ये मेथड जो पेरेंट क्लास के पास है, ये इनहेरिट होकर चले आएंगे चाइल्ड क्लास के पास, जस्ट बिकॉज आपने इस क्लास से इसको एक्सटेंड किया, इनहेरिट किया है। इसीलिए ये क्लास इनहेरिट किया गया है इस क्लास से, यानी कि इस क्लास को विरासत में पेरेंट क्लास के सभी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे। क्लियर है? इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ये जो होता है, जैसे कि एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है, इसे सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ विरासत में जो मिले वही चाइल्ड के पास हो, चाइल्ड अपना भी कुछ जॉब कर सकता है, कुछ बिजनेस कर सकता है। तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है। जो विरासत में आता है वो तो चाइल्ड के पास होता ही है, साथ में अगर ये कोई बिजनेस करता है तो ये भी इसका अपना प्रॉपर्टी कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब एक इनहेरिटेंस कुछ ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है, एक पेरेंट है, पेरेंट का चाइल्ड होता है और चाइल्ड का भी चाइल्ड होता है, जिसे ग्रैंड चाइल्ड कहते हैं पेरेंट के व्यू से। यानी कि इसके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, PM यानी कि प्रॉपर्टी और मेथड है, तो ये इनहेरिट होकर चाइल्ड के पास आएगा और चाइल्ड से इनहेरिट हुआ है ग्रैंड चाइल्ड, तो ग्रैंड चाइल्ड के पास भी ये आएगा। इसके अलावा ग्रैंड चाइल्ड के पास क्या आएगा, अगर चाइल्ड के पास कोई अपना प्रॉपर्टी है, जैसे कोई बिजनेस है, तो ये भी ग्रैंड चाइल्ड के पास आएगा। यानी कि ग्रैंड चाइल्ड एक्सेस कर सकता है पेरेंट के सभी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को, चाइल्ड के सभी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को, और साथ में अगर इसका कोई अपना बिजनेस या कार है तो वो भी इसका अपना रहेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। ये कहलाता है सिंगल इनहेरिटेंस, बिकॉज इससे आपने सिर्फ एक क्लास डेराइव किया है, इसलिए इसे कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। और इसे कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, बिकॉज इसमें मल्टी लेवल्स हैं। ओके, सो इनहेरिटेंस क्या होता है, इतना समझ में आ गया। अब इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कहाँ करना है, जब आपको लगे कि एक क्लास आपने बनाया है जिसमें जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं ये कॉमन होंगी एक और क्लास में, उस वक्त आपको इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करना है। कॉमन होंगी और साथ में कुछ और न्यू चीज़ें भी आपको इंक्लूड करनी कर सकता है, तो उस वक्त इसी सेम प्रॉपर्टी और मेथड्स को रीडिफाइन यहाँ करने के बजाय आप इसको इनहेरिट कर लीजिए। इनहेरिट करने से इसका जो प्रॉपर्टी और मेथड होगा वो इसमें तो चला आ ही जाएगा, तो आपको दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। प्लस आपको जो अपना इस क्लास के लिए फीचर चाहिए वो आप तो डाल ही सकते हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे ये हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। क्लास इनहेरिटेंस, देखिए इनहेरिटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने प्रोटोटाइप का यूज़ किया था तब, यानी कि प्रोटोटाइप का इस्तेमाल करके भी आप इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं, लेकिन वहाँ कोड जो है कॉम्प्लिकेटेड है। पहले तो प्रोटोटाइप में आपको असाइन करना पड़ता है, फिर प्रोटोटाइप से कंस्ट्रक्टर को रीसेट करना पड़ता है। हम लोगों ने एक फंक्शन भी बनाया था उसके लिए, सो उसमें कॉम्प्लिकेटेड कोड होता है, लेकिन यहाँ आपको ईजी और क्लीन कोड देखने को मिलेगा इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट में। और इसी को ध्यान में रखते हुए ES6 में इस कॉन्सेप्ट को, यानी क्लास के कॉन्सेप्ट को लाया गया है, ताकि इनहेरिटेंस वगैरह का जो कॉम्प्लिकेटेड कोड था वो आसान हो जाए। सो द एक्सटेंड्स कीवर्ड इज़ यूज्ड इन क्लास डिक्लेरेशंस और क्लास एक्सप्रेशंस टू क्रिएट अ क्लास विच इज़ अ चाइल्ड ऑफ अनदर क्लास। द एक्सटेंड्स कीवर्ड कैन बी यूज टू सब क्लास, कस्टम क्लास एज वेल एज बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स। इनहेरिट
इनहेरिटेंस ऐसा नहीं कि सिर्फ कस्टम क्लास में ही आप कर सकते हैं, अगर पहले से कोई क्लास बना हुआ है। देखिए, क्लास का मतलब ये नहीं है कि, मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लास यहाँ होता नहीं है, बस हम लोग क्लास उसको बोलते हैं, बट एक्चुअली में वो फंक्शन है, वो एक ऑब्जेक्ट है। सो अगर पहले से कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसको आप अभी फ़िलहाल के लिए क्लास समझिए, जो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स जिसे यहाँ लिखा गया है, कि अगर कोई बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है तो उससे भी आप एक नया क्लास डेराइव कर सकते हैं। बिल्ट इन ऑब्जेक्ट से मतलब क्या है? बिल्ट इन ऑब्जेक्ट से मतलब है जैसे कि डेट है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, आपका एरे है, ये सारे बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि डेट जो कि प्री डिफाइंड है, पहले से बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, उसको मैं एक्सटेंड करूँ और उसमें कुछ, उसमें जो पहले से फीचर हैं वो तो एक्सटेंड होने पर आ ही जाएंगी, उसमें से उसमें कुछ और फीचर में इंक्लूड करके अपने लिए एक बेहतर कोड लिख सकता हूँ, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ कस्टम क्लासेस के बारे में बता रहा हूँ कि आपने एक कस्टम क्लास बनाया फादर नाम का, और इससे आप एक्सटेंड कर रहे हैं सन को, यानी कि इस तरीके से क्लास लिखना है, सन लिखना है, जो सब क्लास का नाम होगा यानी कि चाइल्ड क्लास का नाम होगा उसको यहाँ पहले लिखना है, देन एक्सटेंड्स कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपको पेरेंट क्लास यानी कि फादर इस केस में लिखना है, देन ओपनिंग कर ली, देन क्लोजिंग कर ली। इससे आपका सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बनता है, यानी कि फादर से आप एक क्लास डेराइव कर रहे हैं जो कि है सन, यानी कि पेरेंट क्लास यहाँ कौन सा है? फादर, और चाइल्ड क्लास कौन सा है? सन। बेस क्लास कौन सा है? फादर, और ये आपका डेराइव क्लास हो गया। इसी ऊपर वाले जो ये जो क्लास है, इसी क्लास को सुपर क्लास कहा जाता है, बेस क्लास कहा जाता है, पेरेंट क्लास कहा जाता है। इस क्लास को जो नीचे है यानी कि जो डेराइव करके बनाया जाता है उसे डेराइव्ड क्लास कहा जाता है, चाइल्ड क्लास कहा जाता है, और सब क्लास कहा जाता है। तो नाम अलग अलग है लेकिन जो मटेरियल है वो वही है। सो बिल्ट इन की बात करते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कस्टम क्लासेस को कैसे एक्सटेंड करना है, कैसे इनहेरिट का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ किया है मैंने एक्सटेंड्स कीवर्ड का इस्तेमाल करके। पहले एक क्लास बनाइए जनरल सा, जैसे आप बनाते हैं क्लास कीवर्ड का यूज़ करिए, क्लास फादर। अब इसके प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को आपको अगर यूज़ करना है किसी और क्लास में, तो उसको रीडिफाइन करने के बजाय आप इस क्लास को एक्सटेंड कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ एक्सटेंड कर लिया। अब इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होंगी वो सारे के सारे इसको मिल जाएंगी। तो एक्सटेंड करने के लिए क्या करना है, यानी कि इनहेरिट करने के लिए क्या करना है? एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करना है और इस सिंटेक्स को फॉलो करना है, यानी कि पहले क्लास कीवर्ड लिखना है, देन सब क्लास का नाम लिखना है, देन एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखना है, देन यहाँ सुपर क्लास का नाम लिखना है, या फिर यूँ कहो कि चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास, जो भी आप समझना चाहें। बिल्ट इन ऑब्जेक्ट की बात करें तो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? डेट है, स्ट्रिंग है, एरे है, और भी है, बहुत सारा लंबा लिस्ट है, बट ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है। कैसे करेंगे एक्सटेंड इसको? इसका जो पेरेंट क्लास है वो पहले से बना हुआ है, उसको आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो सिंपली आपको उसको डेराइव करना है। तो उसके लिए आप लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ डेट को किया हुआ है, डेट पहले से बना हुआ है, मैंने यहाँ लिखा क्लास माई डेट एक्सटेंड्स डेट, और इसके अंदर आप अपना फीचर इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, डेट के पास जो फीचर है वो तो इनहेरिट होकर इसके पास माई डेट के पास आएगा ही, साथ में अगर आपको कुछ और इंक्लूड करना है तो आप यहाँ उसके लिए कोड लिख सकते हैं। यही है आपका इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस कब आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और इनहेरिटेंस आप कस्टम क्लासेस में कर सकते हैं, साथ में बिल्ट इन ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। तो चलिए कस्टम क्लासेस का एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोड मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, क्लास फादर, इसके अंदर एक मेथड लिखा है सिंपल सा मैंने, सो एफ मनी, और ये रिटर्न करेगा, ये जो मेथड है हमारा ये रिटर्न करेगा क्या? फादर मनी, और ये हमारा है लाइन ब्रेक, ये क्लास यहाँ से यहाँ तक ख़त्म। अब यही ये जो मेथड है, ये मेथड मुझे यानी कि फादर का जो मनी है वो मुझे सन के पास चाहिए, यानी कि फादर की जो प्रॉपर्टी है वो सन को मिलनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको फादर से एक क्लास सन डेराइव करना पड़ेगा। अगर आपको फादर की प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है तो आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि फादर की प्रॉपर्टीज़ मेथड्स को सन
एक्सेस करें, यूज़ करें, तो उसके लिए आपको इनहेरिट करना पड़ेगा फादर से सन को। और इनहेरिट करने के लिए आप यूज़ करते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड का, तो वही यहाँ कहा किया गया है, क्लास सन एक्सटेंड्स फादर। और इस वजह से एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखने की वजह से ये इनहेरिट होकर यहाँ चला आता है, यानी कि ये जो मेथड है यहाँ चला आता है, और साथ में इसका सन का एक अपना मेथड भी है जो कि है सो सन मनी, यानी कि इसका अपना पैसा भी है और इसके बाप का पैसा भी है। तो सन जो है वो अपने बाप के पैसे को भी पर भी एस कर सकता है और अपना पैसा तो ये कमा ही रहा है, तो वही यहाँ सिर्फ किया गया। अब सिर्फ आपको सन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और इस ऑब्जेक्ट की सहायता से आप फादर की मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं और सन का जो अपना मेथड है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ तक का कोड क्लीन समझ में आ गया। अभी चलिए एक्सेस करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ सिर्फ आपको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट बिटवीन पैरेंथेसिस, हम लोग यहाँ पहले फादर के कैश को एक्सेस करते हैं, मतलब फादर के मनी को एक्सेस करते हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, डॉट लिखना है, देन सो एफ मनी, ये सोज नहीं, ये सो एफ मनी, ठीक है, और पैरेंथेसिस और यहाँ सेमी कॉलन, सेव कीजिए। सेव करने के बाद जब आप इसको रन करेंगे, इसको अगर आप रन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आप फादर के मनी को यहाँ से एक्सेस आसानी से कर सकते हैं, कोई भी एरर नहीं। उसी तरीके से अगर सन अपना पैसा एक्सेस करना चाहे तो उसको भी कर सकता है। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और सन का अपना पैसा कहाँ है, इस लॉकर में है, इस मेथड में है, तो उसके लिए हम लोग उसका मेथड लिखेंगे, सन का, सन के ऑब्जेक्ट के साथ सन का मेथड, यानी कि सन का अपना पैसा। कॉपी किया, सॉरी कॉपी नहीं किया, एक्चुअली सेव किया। सेव करने के बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो सन जो है वो फादर के मनी को भी एक्सेस कर सकता है और सन जो है अपने मनी को भी एक्सेस कर सकता है। ये हो गया आपका सिंगल इनहेरिटेंस, और इस तरीके से आप इनहेरिटेंस को अचीव करते हैं इन जावा स्क्रिप्ट। ओके, इसी तरीके से आप मल्टी लेवल को भी अचीव कर सकते हैं। सन से एक और क्लास आप डराइव कर लीजिए, जैसे कि क्लास यहाँ ग्रैंड सन, और ग्रैंड सन एक्सटेंड्स किसको, सन को, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने इसको इसमें कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। तो ग्रैंड सन जो है वो सन के, यानी कि अपने फादर के, तो ग्रैंड सन का फादर कौन होगा, ये होगा। सो इसके पैसों को ये एक्सेस कर सकता है और ये अपने ग्रैंडफादर के पैसों को भी एक्सेस कर सकता है, यानी कि ग्रैंड सन का अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये जो है जी यहाँ लिख देते हैं, ये जो है ये जी ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग सन के पैसों को भी एक्सेस कर सकते हैं और फादर के पैसों को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं जी, और यहाँ लिख देते हैं जी, और इसको कर देते हैं सेव, और इसको कर देते हैं रिफ्रेश, और ये बिल्कुल सही तरीके से हमारा काम कर रहा है, कोई भी एरर नहीं है। इसका मतलब हमारा ये कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल सही है। आप इसको और टेस्ट, फर्दर टेस्ट करना चाहते हैं, इसमें एक और मेथड बना दीजिए, सो जी मनी, और कुछ नहीं, बस एक रिटर्न करवा दीजिए जिससे कि चेक हो जाए रिटर्न, और यहाँ आपको लिख देना है सिर्फ ग्रैंडसन मनी, और यहाँ इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पर सिर्फ सो जी मनी, यानी कि ग्रैंडसन का अपना पैसा, ग्रैंडसन के फादर का पैसा, और ग्रैंडसन के फादर के फादर का पैसा, तीनों का पैसा ये ग्रैंडसन एक्सेस कर सकता है। क्यों कर सकता है? बिकॉज फादर से इनहेरिट होकर बना है सन, और सन से इनहेरिट होकर बना है ग्रैंडसन। तो फादर की सारी प्रॉपर्टी सन के पास आई है, और सन के पास अपने फादर की और अपनी प्रॉपर्टी है जो कि इनहेरिट होकर ग्रैंडसन के पास है, यानी ग्रैंडसन के पास इस फादर की प्रॉपर्टी, इस सन की प्रॉपर्टी और अपनी प्रॉपर्टी, सब कुछ है इसके पास। सो इसको सेव करते हैं। सेव करने से पहले मैं यहाँ एक लाइन ब्रेक कर देता हूँ, अदरवाइज ये एक लाइन में ही आ जाएगा। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप यहाँ देख पाएंगे कि फादर का मनी, सन का मनी और ग्रैंड सन का मनी, सभी का मनी जो है जी के साथ, यानी ग्रैंड सन के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि सब का बदला लेगा ये फैसल, ठीक है। सो ये है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।